हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। देखिए, हम ये धोती और पटका शरदपुर में स्पेशल ड्रेस बनाएंगे और इसमें मैंने पग भी बनाना बताया है। बहुत ही इजी वे में आप ऐसी हैवी ड्रेस बना सकते हो। ठाकुर जी के ऊपर देखिए कितनी प्यारी लग रही है, जैसे आप देख रहे हो। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शरदपुर में स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने सॉटन लिया है और इसकी लेंथ हमने 10 इंच ली है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच ली है। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये 10 इंच आएगी और हाफ करेंगे तो ये 5 इंच आएगी। तो अब हमें इसको देखिए ऐसे रखना है और रखने के बाद हम मिड में ऐसे कर देंगे तो ये मेरा मिड हो जाएगा और ये हम कट कर लेंगे। अस्तर का भी कपड़ा हमें कट कर लेना है। हम ऐसे ही रखेंगे, सेम हमने साइज ली है और क्योंकि हम इसमें अस्तर लगाएंगे तो कॉटन का ही हमने कपड़ा लिया है और इसको हम कट कर लेंगे। ऐसे खोलेंगे और फिर हमें ये कट करके निकाल लेना है। हमें ये दोनों कॉटन के कपड़े ऐसे रखने हैं और इसमें हम ऐसे गोलाई में हमें ये ऐसे करके कट लगाना है। तो ये हम बराबर पहले कर लेंगे और उसके बाद हमें ऐसे फोल्ड करना है। हमने फोल्ड कर लिया। वन इंच आएंगे और ये हमें ऐसे ऐसे करके गोलाई देनी है। वन इंच डाउन आना है और ये इस तरह से। तो 1 इंच तो मेरा ये हुआ और ये हम 2 इंच से डाउन लाएंगे। यूं करके हमें ये ऐसे गोलाई लानी है और अब हमें इसे कट कर लेना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, हमें ये आला भी कपड़ा कट कर लेना है। तो हम इसी को लेंगे, देखिए इस तरह से रखना है और जितना पार्ट हमारा दिख रहा है इसको हम गोलाई से कट कर लेंगे। अब इस तरह से हमें दूसरा पार्ट भी कट कर लेते हैं। तो देखिए, अब हमें इसको यहाँ से ऐसे सिलना है, ये सिलना है, ये पार्ट नहीं सिलना है। तो पहले हम इसको सिल लेंगे, दोनों पार्ट हमें ऐसे सिल लेने हैं। इस तरह से हमें ये दूसरा पार्ट भी सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब इसको हमें ऐसे करके फोल्ड करना रहेगा तो हम ये ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। और ये ऐसे करके कोने में ऐसे सीजर डालेंगे जिससे ये कोना निकल आए। एक बार इस पे सिलाई चला लेंगे पूरे में। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा है, इसको हमें कट कर लेना है। तो हम ये किनारे पे ऐसे लगाएंगे। तो पार्ट सिल लिए, अब हमें इसको यहाँ तक ज्वाइंट करना है।
तो हम ये ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स बनानी है, तो देखिए हम ऐसे रखेंगे। तो देखिए अपोजिट अपोजिट हमें प्लीट्स डालनी है, तो 3 उधर से डाला है, अब 3 इधर से हम डालेंगे। तो अपोजिट अपोजिट हमें डालना है, एक बार उधर से, एक बार इधर से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, ऐसे करके हमें 3 प्लीट्स डालनी है। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। अब देखिए धोती के आगे ऐसे लटकने वाला बनाएंगे, उसके लिए हमने ये 4.5 इसकी लेंथ ली है और ये 2.5 इसकी हमने चौड़ाई ली है। अब हमें क्या करना है, हम ये ऐसे रखेंगे। फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको कट करना है, तो यहां से हम पतला कट करेंगे और ये ऐसे डायगोनल जाएगा। देखिए इस तरह से ये मेरा शेप आएगा इस तरह से, ठीक है, सेम वही साइज का। तो हमें देखिए ये हमें यहां से ऐसे सिलना है, ये सिलना है, ऐसे सिलना है, इधर नहीं सिलना है, ठीक है। तो हम ये पहले फोल्ड करेंगे, उल्टा हमें रखना है, फिर हमें ये ऐसे करके सिलना है और यहाँ से हम फोल्ड करें। अब देखिए ये फोल्ड हो गया है। फोल्ड होने के बाद हम इसमें ये लेस लगा देंगे। अब देखिए इसको हमें यहाँ पे मिड में ऐड करना है, दोनों पैर के मिड में रखना है और फिर हमें इसको सिलना है। इसमें हम कमर पट्टी लगाएंगे। अब देखिए जितनी मेरी ये 4.5 है कमर, ये मेरी देखिए 4.5 आ रही है। तो हमने ये कमर पट्टी के लिए कपड़ा लिया है, इसकी लेंथ हमने 6 से थोड़ी ज़्यादा ली, क्योंकि हमें ये इधर से भी फोल्ड करना रहेगा और इधर से भी फोल्ड करना रहेगा। और ये हमने देखिए हमने इसको 2 इंच लिया है पूरा। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करके पहले यहाँ लगा लेना है, तो हम पहले यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे अब हमें सिलना है। इसको ऐसे रख के सिल लेना है पूरा
और फिर इसमें हम वेलक्रो लगाएंगे, आप चाहे तो चिट बटन भी लगा सकते हो। ये वेलक्रो लिए और वेलक्रो को देखिए ये दो पार्ट होते हैं ऐसे, तो एक पार्ट हम देखिए यहाँ रखेंगे और एक पार्ट हम इस पे रखेंगे, एक पार्ट हमें ऊपर रखना है एक पार्ट नीचे रखना है। तो ये रफ वाला है, उसको हमें यहाँ रखना है ऐसे करके, और ये हम ऐसे करके ये सॉफ्ट वाला जो है उसको हमें यहाँ रखना है, और इसको हमें यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो हम इसको अटैच कर लेते हैं। तब ये मेरा इस तरह से ये पूरा कवर हो जाएगा, तो हम इसको भी लगा लेते हैं। चोली बना रहे हैं उसके लिए सॉटन का कपड़ा कट किया है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लेंथ इसकी हमने 11 इंच रखी है। अब हमने ये अस्तर का कपड़ा लिया है, अब इसको बराबर से रखते हुए हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखिए हम दोनों को पार्ट को रखेंगे और यूँ फोल्ड करके फिर हमें एक सिलाई पहले लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने ये कट कर लिया है, ये टिश्यू लेस ली है, इसको हम ऐसे कवर करेंगे जैसे मेरा कपड़ा सेफ हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ ऐसे कवर करके और इसको हमें ऊपर नीचे रख के और ऐसे करके सिल लेंगे पूरा। अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे करके यूँ फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये मेरी चोली भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका पटका बनाएंगे। तो देखिए पटके के लिए हमने ये 8.5 इंच इसकी लेंथ ली है और चौड़ाई हमने 2.5 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ली है। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, और ऐसे फोल्ड करेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे। ये हमने तिकोना कट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से अब हमें यहाँ से देखिए यहाँ से तिकोने से हमें ये डायगोनल कट करना है इस तरह से। तो ये मेरा इस तरह का शेप हो गया, ठीक है। अब इसी को अस्तर से हमें अटैच कर लेना, तो हम अटैच कर लेते हैं। अब देखिए इसमें टिश्यू लेस लेके हम इसको सेफ कर लेंगे कि दोनों पार्ट मेरा कपड़ा सेफ हो जाए। तो हम पूरा ऐसे करके जो मेरा पटके का शेप है उसमें हम इसको लगा लेंगे।
देखिए इसी के ऊपर हम ऐसे करके हमें लेस रखनी है और इसको सिलना है। ये पटके को ऐसे करते हुए ठीक है, तो यहाँ पे पग बनाएंगे। उसके लिए हमने ये 10 इंच लिया है और इसकी लेंथ हमने 2 इंच लिया है। अब हमें क्या करना है, हम ये पहले बेस लेंगे, उसके ऊपर हमें इसको रख के और ऐसे करके फोल्ड करना है और यहाँ पे हम पतली सी सिलाई लगा लेंगे। तो हम पहले कर लेते हैं, अब देखिए हम ये हमने कट कर लिया है और इसकी लेंथ हमने 6.5 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसे करके इसको कवर करेंगे जैसे ये मेरा कपड़ा सेफ हो जाए। तो देखिए इसमें हमने लेस भी लगा दी है और अब देखिए हमें इसको फोल्ड ऐसे करना रहेगा और फोल्ड करने के बाद ऐसे इसको बराबर रखेंगे, इधर से नीचे रखेंगे और जितना मेरा ये स्ट्रिप है और इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अब हमें सिलाई कर लेनी है जहाँ से हम ये फोल्ड करेंगे। तो हम सिल लेते हैं, ऐसे रख देंगे ठीक है। और यहाँ पर अब हमें देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है तो हम लगा लेते हैं। और ये हमने ऐसे हमें इसमें डेकोरेट करना है। तो देखिए हमने ये स्क्वायर में कट किया, फेवी आपके पास जो भी है फेवी ग्लू भी लगा सकते हो। तो ये ऐसे लगा दिया, फिर हम ये गोल स्टोन है इसको लेंगे और इसको लगा देंगे। आपका डेकोरेशन आप किसी भी तरह से भी कर सकते हो, पैच भी लगा सकते हो कोई। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ये लेंगे ऐसे, थोड़ा बड़ा लेना है और यहाँ पे देखिए पग में हम सबसे ऊपर इस तरह से लगाएंगे ठीक है। और लगाने के बाद अब यहाँ पे हम ये गोल वाले स्टोन ऐसे रख देंगे। तो ऐसे करके हम ये डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट कर दिया है, इसमें हमने स्टोन यहाँ नीचे लगा लिया है और ऐसे करके हमने पटके में लगा दिया है। चूली सिंपल रखी क्योंकि ये हैवी पटका और ये हुआ है। अब हम ठाकुर जी को पहना के दिखाते हैं। पहले हम चूली ऐसे डालेंगे और ये हमें पीछे ऐसे रखनी है। चौड़ी हमने थोड़ी बनाई है जैसे ये पूरा हाथ कवर हो जाए इनका। अब हम ये धोती पहनाएंगे।
देखिए धोती भी आ गई है, बिल्कुल परफेक्ट आई है पीछे से, बिल्कुल बैक से देखिए ये इस तरह से रहेगी। और इस तरह से ये धोती आ गई है और ये पटका रहेगा ऐसे। तो देखिए इस तरह से ड्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है जैसे आप देख रहे हो। ये पटका आप या तो ऐसे रखिए, तो इस तरह से देखिए प्यारी सी ड्रेस कंप्लीट हो गई, फेस्टिवल स्पेशल ड्रेस। आप जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जैसे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।